हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NSR क्लासेस में। आज हम जानेंगे BSTC के बारे में कि BSTC क्या होता है, इसमें क्या क्या स्कोप है और मतलब इसका सिलेबस क्या क्या है और अपन इसके थ्रू क्या सीख सकते हैं या फिर इसमें और क्या क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। BSTC ये एक प्री एग्जाम होता है तो थर्ड ग्रेड टीचर के लिए। ठीक है, तो मतलब इसके थ्रू अपन ना थर्ड ग्रेड के टीचर का अपन एग्जाम दे सकते हैं और पेपर पेपर पास कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने 12th के बाद होने वाला एक अच्छा टीचर लाइनिंग पेपर होता है और इसके अंदर अपन को मतलब किस तरीके से पढ़ाना चाहिए और मतलब किस तरीके से बच्चों को अपन अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, इसके बारे में वहाँ गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, तो अब अपन जानेंगे कि इसके अंदर इस पेपर को पास करने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से विषय हैं जिसके थ्रू अपन ये पेपर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब BSTC के अंदर ये 5 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी राजस्थान के सामान्य ज्ञान से अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंग्रेजी से अपने क्वेश्चन आते हैं, हिंदी और संस्कृत ये है ना ऑप्शनल है, अपने को यहाँ से एक सब्जेक्ट चूज करना होता है अपनी पसंद के अनुसार, या तो हिंदी करिए या फिर संस्कृत पसंद करना है। ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी यहाँ रीजनिंग से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और शिक्षण अभिरुचि, यानी कि शिक्षण अभिरुचि परीक्षण से भी अपने यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अपन जानते हैं कि BSTC का टोटल 600 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, उसके अंदर इन सब के मार्क्स डिवाइड होते हैं, जैसे राजस्थान के सामान्य ज्ञान, यहाँ से अपने को 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न का अंक निर्धारित होता है कि प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना होगा, 3। तो ये अपने पास 150 नंबर का अपने राजस्थान का सामान्य ज्ञान का पार्ट आता है। ठीक है, अंग्रेजी के यहाँ से अपने को 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक मार्क्स 3 नंबर का होता है, यानी ये इंग्लिश हमने कितने मार्क्स किए, 60 मार्क्स की अपने इंग्लिश आती है यहाँ पे, और यहाँ से एक ऑप्शनल चूज करना पड़ता है, तो जैसे कि हिंदी है तो हिंदी अपने यहाँ पे इसके 30 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी हिंदी अपने 90 नंबर की अपने यहाँ हिंदी आती है। अब यहाँ है रीजनिंग से यहाँ पे अपने 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसी तरह अपने यहाँ रीजनिंग कितने नंबर की आती है अपने यहाँ पे 150 नंबर की, और शिक्षण अभिरुचि, यहाँ से शिक्षण अभिरुचि से भी अपने यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं, अतः ये भी अपने कितने अंक की है, 150 अंक की, यानी कि शिक्षण अभिरुचि के 150 अंक, रीजनिंग के 150 अंक, हिंदी के 90, इंग्लिश के 60 और राजस्थान के सामान्य ज्ञान से 50, यानी कि 150 नंबर इसके, यानी कि टोटल स्कोर कितने का हो गया अपने यहाँ पे 600 का, यानी 600 अंक का अपने पास यहाँ पे पेपर आता है। ठीक है, और इस तरह से मार्क्स डिवाइड होते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नंबर कटने के चांस तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब अपन इनके बारे में पर सब्जेक्ट के बारे में अपन विस्तार से समझेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आएंगे और किन किन को पढ़ने से अपने को पास होने का चांस ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इससे अपने को ये जो कुछ टॉपिक्स हैं इनके ऊपर से अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन टॉपिक से अपने को 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में विस्तार से कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं। जैसे कि राजस्थान में एक परिचय, यानी इसके ऊपर से अपने को ये पूछा जाता है कि राजस्थान का राजस्थान नाम कब पड़ा, इसका प्राचीन नाम क्या था और राजस्थान अपने वास्तविक स्वरूप में कब आया, और इनके राजस्थान में जो जिले हैं इनके प्राचीन नाम क्या है और अभी जो नए नाम है वो क्या क्या है, इसके ऊपर से अपन को राजस्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए जिला प्रशासन से अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि न्यायपालिका का क्या क्या कार्य है, व्यवस्थापिका का क्या क्या कार्य है, अपने को इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और शिक्षा
शिक्षा से अपने को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि राष्ट्र में शिक्षा का स्तर कितना है, ये कौन से शिक्षा में कौन से नंबर पर राजस्थान का नाम आता है, और अभी अभी फिलहाल में चलाई थी नई शिक्षा नीति क्या है, वो किस तरीके से काम करेगी आगे, उसके ऊपर से इससे अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन है वन्य जीव, यानी कि कौन वनों के प्रकार क्या क्या है, और अब कौन कौन से वन है जिनको अपने वो बचाना चाहिए, कौन कौन से जीव ऐसे हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं और उनको अपने को बचाना चाहिए, तो इनके ऊपर से अपने को यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पांचवा टॉपिक है पशुधन। पशुधन का मतलब ये है कि अपने को इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2019 में पशुओं की संख्या कितनी थी, जैसे बकरियों की कितनी थी, और 2020 में कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है, अपने को इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपने राजस्थान है तो इसको पशुधन से कितना लाभ हो रहा है, उसके ऊपर से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब छठा टॉपिक है सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाएं यानी इसके इससे अपने को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सिंचाई से संबंधित सरकार चला रही है, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये सारी परियोजना इसके अंतर्गत आती है, ये कब लागू हुई और कौन कौन से जिलों में ये अभी कारगर सिद्ध हुई है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन सिंचाई परियोजना से संबंधित आते हैं। सातवां टॉपिक है राजस्थान के उद्योग, यानी कि राजस्थान में कौन कौन से उद्योग है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, अभ्रक उद्योग, कपड़ा उद्योग, इन सब के वहां से क्वेश्चन आते हैं, और इन उद्योगों से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा हो रहा है, इसके ऊपर से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आठवां टॉपिक है राजस्थान में पर्यटन, यानी कि पर्यटनों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, पिछले वर्ष से इस वर्ष में पर्यटनों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, और गवर्नमेंट पर्यटकों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं बना रही है और उनको क्या क्या सुविधाएं दे रही है, उसके ऊपर से यहाँ से अपने क्वेश्चन आते हैं। नंबर है सहकारी योजनाएं। सहकारी योजनाएं यानी इसके अंदर से अपने को सहकारी, जैसे अपने राशन योजना, ये सारे इसमें से आते हैं। दसवां टॉपिक है आपदा प्रबंधन एवं सहायता। इससे अपने को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपदाएं किसकी वजह से आती है, जैसे बाढ़ ये भी एक आपदा है, ठीक है, सूखा ये भी एक आपदा है, इन आपदाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको बचाने, इनको सुरक्षित रखने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, कौन कौन से उपाय काम में ले रही है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ग्यारहवां टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, ठीक है, यानी इससे अपने को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप कितने भागों में बटा हुआ है, ठीक है, और मतलब इसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहाड़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब बैराट और गोमट का पठार कौन सा है, ये किस जगह पे पाया जाता है, ठीक है, यानी राजस्थान का पूरा भौतिक स्वरूप इसके अंदर आ जाता है। बारहवां टॉपिक है राजस्थान की नदियां एवं झीले, यानी कि राजस्थान में कितनी नदियां पाई जाती है, कितने झीले पाए जाते हैं, और उनमें से मीठे पानी की झीले कौन सी है, खारे पानी की नदी कौन सी है, इनके ऊपर से अपने को यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है, इनका उद्गम कहाँ से होता है, ये कहाँ पर जाके मिलती है, ठीक है, और ये कहाँ तक मीठी रहती है, कहाँ से फिर वापस खारी हो जाती है, और ये नदियां एक दूसरे में आके कहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है, ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब तेरा है कि राजस्थान की जनसंख्या, यानी जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान की 2011 में जनसंख्या थी, उससे 2021 में जो जनगणना होने वाली है उसमें कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ऊपर है, कौन सा सबसे कम है, और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और इसमें लिंगानुपात भी देखा जाता है, जैसे कि पर 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां जन्मी है और कितने आदमी कम हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जनसंख्या से आप पूछे जाते हैं। चौथा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता एवं देवियां, यानी कि राजस्थान के लोक देवता कौन कौन से हैं, जैसे कि रामदेव जी हुए, बाबू जी हुए, ठीक है, इन सबसे लोक देवता कौन कौन से हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है, और इनके गुरु कौन कौन रहे हैं, ये सारे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राजस्थान की देवियां कौन कौन है, जैसे कि करणी माता हुई, जीन माता हुई,
ये सब राजस्थान की देवियां है, ठीक है। इन्होंने मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ, ये इनकी कर्म भूमि क्या है, इनकी जन्म भूमि क्या है, ठीक है, और इन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के त्योहार, यानी कि राजस्थान के त्योहार के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान के हिंदी महीनों से जो महीने शुरू होते हैं उनमें कौन कौन से महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं। जैसे कि अभी जैसे भाद्रपद चल रहा है तो भाद्रपद में कौन कौन से त्योहार आते हैं, जैसे कि भाद्रपद शुक्ल बीज को रामदेव जी का मेला लगता है, और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना होती है, तो इनके ऊपर से अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले, यानी राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, और जैसे कि पशु मेले कौन कौन से हैं, और इनके ऊपर से अपने यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17वां टॉपिक है प्रथाएं और रीति रिवाज, यानी राजस्थान में कौन कौन सी प्रथाएं हुई है उन पे रोक लगाई गई है, वो प्रथाएं कब खत्म हुई, ठीक है, जैसे कि बाल विवाह प्रथा, पुनर्विवाह प्रथा, और जैसे कि डाकन प्रथा, ये सारी प्रथाएं हैं इन पे कब रोक लगी, इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और है रीति रिवाज, यानी कि राजस्थान के रीति रिवाज क्या क्या है, और इनके वो संस्कार कौन कौन से हैं, जैसे कि अपने मानवों में 16 संस्कार माने जाते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के, तो ये सारे इस टॉपिक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य, कि राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, उनकी नृत्य नृत्यांगनाएं कौन कौन सी है, उनके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, और वो किस जगह का प्रमुख लोक नृत्य है, और ये किस कहाँ पे किया जाता है, किनके लिए किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 1857 की क्रांति बहुत पुरानी है, इससे अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, क्रांति का प्रमुख केंद्र क्या था, किसकी वजह से क्रांति हुई, यह सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। लास्ट टॉपिक है राजस्थान के एकीकरण, यानी कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, ये कितने भागों में बंटा हुआ है, ठीक है, जब फर्स्ट एकीकरण हुआ था उस समय उसका मुख्यमंत्री कौन था, किस वर्ष में यह हुआ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। अब अपन जानेंगे कि नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन, उसके प्रमुख टॉपिक कौन कौन से है। अब देखिए इंग्लिश है, अपने इंग्लिश से यहाँ पे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, और पर क्वेश्चन 3 अंक का, यानी ये इंग्लिश हमने कितने अंक की हो गई, 60 अंक की अपने यहाँ इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर से अपने को क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रत्येक टॉपिक से लगभग तीन तीन क्वेश्चन के आसपास आने के चांसेस हैं, ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि टेंस है, यानी जो अपने यहाँ को टेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि जैसे कोई सेंटेंस दे रखा होगा तो फिर उसमें यहाँ ब्लैंक दे रखा होगा और फिर यहाँ क्वेश्चन में इज एम आर दे रखा होगा, तो अपने को यहाँ से भरना है कि यहाँ इज यूज होगा या एम यूज होगा, वाज यूज होगा या वर यूज होगा, मतलब अपने को यहाँ टेंस की जानकारी होगी तभी अपन उनको कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने यहाँ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम, यानी कि जो टेंस के स्थान पर जो शब्द यूज होते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन, ठीक है, तो प्रीपोजिशन से भी अपने को यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास आर्टिकल एंड डिटर्मिनेशन, यहाँ से आर्टिकल से अपने को यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यहाँ ए यूज होगा, एन यूज होगा या द यूज होगा, ठीक है, ओके, या डिटर्मिनेशन से भी अपने को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है अपने यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि अपने को एक सेंटेंस दे रखा होगा तो उसको अपने को यहाँ पे इनडायरेक्ट में चेंज करना आना चाहिए, ये अपने को आएगा तो अपने इसको इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और अपने अच्छे मार्क्स आएंगे। 5वां टॉपिक है अपने पास सिनोनिम्स एंड एंथोनिम्स, यानी कि इनको हिंदी में अपन बोलते हैं विलोम शब्द, विलोम शब्द, यानी कि कोई यहाँ स्पेलिंग दे रखी होगी उसका विलोम विलोम क्या होगा, वो अपने को 4 ऑप्शन में से अपने को चूज करना पड़ेगा।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपने यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि अपने को एक सेंटेंस दे रखा होगा बड़ा सा, उसमें से अपने को पहचानना पड़ेगा कि इसको अपन एक शब्द में क्या लिख सकते हैं। जैसे कि समझने के लिए देखिए कि जिसके 10 सिर है तो उसको अपन एक शब्द में किस तरीके से शो करेंगे। जैसे उसको कहेंगे अपन दशानंद, यानी 10 सिरों वाला कौन था? दशानंद था। उसी तरह अपने को यहाँ इंग्लिश में दे रखा होगा, उसका अपने को यहाँ एक वर्ड पहचानना है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कम्युनिकेशन पैसेज, कंप्रेशन पैसेज, ठीक है। यानी कि एक पैसेज दे रखा होगा, उसके नीचे अपने को 3 या 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसका आंसर अपन को पैसेज में से पहचानना है और बताना है कि इसका बी आंसर राइट होगा या सी आंसर राइट होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास स्पॉल्टिंग ईरर, यानी कि अपने को 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और चारों में मतलब 4 ऑप्शन तो नहीं, मतलब जैसे एक अपने को यहाँ इस तरीके सवाल दे रखा होगा, तो अपने को पका करके बताना है कि 1 नंबर पे कौन सा आएगा, 2 नंबर पे कौन सा आएगा, और इस तरीके से अपने इसको जमा के बताना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास करेक्शन ऑफ सेंटेंस में, यानी कि अपने को कोई सेंटेंस दे रखा होगा जो इनकरेक्ट होगा, तो उसको अपन को करेक्ट से जमाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपन को कंजुकेशंस। ओके, बोलो रवि। नेक्स्ट टॉपिक तो अपने पास कंजक्शंस, यानी कि सेंटेंस दे रखा होगा तो उसमें अपन को पता करना है कि यहाँ एंड यूज होगा, आल्सो यूज होगा, या फिर आइदर यूज होगा, या फिर नाइदर यूज होगा। यानी अपने पास जो कंजक्शन दे रखे हैं उनको अपने को यहाँ पे अपनी जो कंजक्शन की शर्तें हैं, कंडीशंस है, वो यहाँ सारी शो होती है नहीं होती, उसके आधार पे अपने को यहाँ कंजक्शन यूज करना है। इसके ऊपर से भी अपने यहाँ क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और जो सेम हो गया, नेक्स्ट टॉपिक है अपने सेंटेंस कंप्लीशन, यानी अपने को यहाँ पे क्या करना है, कोई सेंटेंस दे रखा होगा उसके आगे छोटा सा ब्लैंक दे रखा होगा, और तो अपने को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन या अपने को करेक्ट भरना है, ठीक है। इसी तरह सेंटेंस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मिस स्पेल्ड वर्ड्स, यानी कि अपने को कोई शब्द दे रखा है ना, फिर यहाँ बीच में कोई शब्द या फिर कोई मीनिंग मिस्टेक है, तो अपने को इसकी सही मीनिंग यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। तो इंग्लिश के ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनका ऊपर से क्वेश्चन आएंगे, और इनमें से अगर अपन ने 5 या 10 टॉपिक भी अच्छे से कर लिए तो अपन इंग्लिश में पास हो सकते हैं, यानी अपने को इसमें से कम 40 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और उनमें कौन कौन से कंडीशन यूज होती है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट अपने पास हिंदी, हिंदी अपने यहाँ कितने नंबर की है? 90 अंक की हिंदी है अपने पास, ठीक है। और इस हिंदी से अपने यहाँ कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे, और ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर से यहाँ हिंदी में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अपन इनको एक एक के बारे में जानते हैं। जैसे पहला है कि हिंदी की वर्णमाला, यानी कि अपने को इससे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से शब्द मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है, और इससे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ताड़नजात शब्द कौन सा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास संधि, यानी कि संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोई शब्द दे रखा होगा संधि विच्छेद के रूप में, तो ये कौन सी संधि का है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन संधि विच्छेद से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास समास विग्रह, यानी कि अपने को समास की जानकारी होनी चाहिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से समास होते हैं, और द्विगु समास कौन सा होता है, द्वंद कौन सा होता है, ठीक है। तो मतलब कोई शब्द दे रखा होगा तो उसको अपन को ये पहचानना है कि ये कौन सा समास है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है उपसर्ग, उपसर्ग तो पहले उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वह होते हैं जो शब्द के आगे यूज होते हैं, ठीक है। तो कोई शब्द दे रखा होगा जैसे कि कुम्हार, कोई शब्द दे रखा है तो इसका उपसर्ग क्या है, तो अपन इसको पता है कि इसमें क्या उपसर्ग है, उपसर्ग है, ठीक
ओके। और जैसे कि प्रत्यय, प्रत्यय वह होते हैं जो किसी शब्द के पीछे यूज होते हैं, जैसे यही शब्द है तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है, तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय यूज होता है, आर प्रत्यय यूज हुआ है। ठीक है, तो कोई शब्द दे रखा होगा तो उसमें वैसे अपन को पहचानना है कि ये कौन सा प्रत्यय इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कारक। कारक कौन कौन से होते हैं, कि जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संपदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण मेय पे पर संबोधित है, ये सब कारक होते हैं। यानी कि कोई शब्द दे रखा होगा जैसे कि बैल के लिए गाड़ी, तो इसमें कौन सा कारक यूज हुआ है, संबंध काकी के, यानी इसमें कौन सा कारक यूज हुआ है, संबंध कारक यूज हुआ है। ठीक है, तो अपने को ये पहचानना है ये कौन सा कारक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास विलोम शब्द। ठीक है, यानी कि कोई शब्द दे रखा होगा तो उसका अपने को यहाँ पे विपरीत शब्द पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास पर्यायवाची, यानी कि कोई शब्द दे रखा होगा तो उसके अपने पर्यायवाची लिखने हैं, जैसे कि आंख है तो आंख के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। ठीक है, ये सारे आग के पर्यायवाची होते हैं। उसी तरह इनमें से कोई एक शब्द दे रखा होगा तो अपने को ये बताना है कि ये किसका पर्यायवाची होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपने पास शब्द शुद्धि, यानी कि कोई शब्द दे रखा होगा तो वो अशुद्ध दे रखा होगा तो उसको अपने को शुद्ध शब्द लिखना है, जैसे अतिथि, तो ये अशुद्ध दे रखा है तो इसका शुद्ध शब्द क्या है, अतिथि। इस तरीके से अपने इसको यहाँ शुद्ध शब्द पहचानना होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास मुहावरे और लोकोक्ति, यानी कि कोई मुहावरे दे रखा होगा वो अपन से ये पूछेगा कि ये जो अर्थ है वो कौन से मुहावरे का है, ये इस मुहावरे का अर्थ क्या निकलेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले हैं। समानार्थक शब्द, यानी कि दो शब्द दे रखे होंगे जो लगभग समान होंगे लेकिन उनके अर्थ परिवर्तित होंगे, तो अपने को यह पहचानना है कि इस जो ये शब्द दे रखा है इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास शब्द युग्म। ओके, यानी कि कोई शब्द दे रखा होगा उसको अपने को युग्म पहचानना है। ओके, ये हिंदी के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर से अपने को यहाँ 90 अंक के क्वेश्चन अंक आएंगे। ओके, देखो अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रीजनिंग, इससे अपने को यहाँ 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये कुछ 10-12 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर से अपने पास क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है सादृश्यता, यानी कि इस टॉपिक से अपने को इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि अनाज है तो अनाज का एकत्रित किया जाता है भंडार गृह में, उसी प्रकार जल कहाँ एकत्रित किया जाता है, तो अपने को चार ऑप्शन होंगे उनमें से अपने को इसका सही आंसर पहचानना होगा। इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले। नेक्स्ट टॉपिक से अपने पास विजातीय शब्द को अलग करना, यानी कि अपने पास यहाँ चार शब्द दे रखे होंगे। ठीक है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, शेर और मोर, तो यहाँ विजातीय शब्द क्या आ गया, मोर। क्यों, मोर एक पक्षी है और ये तीनों क्या है, पशु है, तो ये विजातीय शब्द है तो इसको अपने को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन, इससे अपने को इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मेरे मामा के चाचा का लड़का, तुम्हारे क्या लगता है, यानी कि अपने इसको संबंध बताना है कि वो अपने क्या क्या यूज क्या लगता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास श्रृंखला निर्माण, यानी कि ये कोई सीरीज दे रखी होगी जैसे कि 3, जैसे कि 8, 27, 64, तो इसके बाद क्या है। ठीक है, जैसे कि अपन ही जानते हैं कि 2 का क्यूब करने से क्या प्राप्त होता है अपने को, 8। ठीक है, 3 का क्यूब करने से 27, 4 का क्यूब करने से 64, तो यानी ये एक सीरीज चल रही है, तो इसके बाद क्या आता है, 5, यानी 5 के क्यूब करने से क्या प्राप्त होगा अपने को, 125। तो ये अपने को उस ऑप्शन में से चूज करना होगा कि
इसके आगे क्या आएगा, इस तरीके की सीरीज चल रही है ना, तो सीरीज से संबंधित क्वेश्चन अपने को इस टॉपिक में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास श्रृंखला का शब्दों का वर्ण क्रम, यानी कि अपने पास अपने को यहाँ अंग्रेजी में कुछ शब्द दे रखे होंगे, ठीक है, तो उसके बाद अगला वाला शब्द क्या आएगा, तो अंग्रेजी के शब्दों से संबंधित यहाँ शब्दों का वर्ण क्रम पूछा जाने वाला अपने पास। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास वेन आरेख, यानी कि अपने अपने को यहाँ कुछ मतलब सवाल दिया होगा, तो उसमें से अपने को पहचानना है कि कौन सा वेन आरेख इसके यहाँ प्रॉपर फिट हो रहा है, ठीक है, तो वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछे जाने वाले अपने पास। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास घन घनाभ और पासा, यानी कि अपने को इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि जैसे ये कोई पासा दे रखा है आपको, है ना, तो पता करना है कि जैसे अगर यहाँ पे तीन लिख रखा है तो इसी के सामने यहाँ पर क्या आने वाला है, ओके, कि जैसे यहाँ चार है तो इसके पीछे कौन सा अक्षर लिखा हुआ आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास घड़ी, यानी कि क्लॉक, क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने वाले है कि इस तरफ जाने से दो मतलब दो घंटों के बीच में कितना का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण कब बनता है, ओके, तो घड़ी से संबंधित क्वेश्चन अपने को इस टॉपिक से पूछे जाने वाले है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कैलेंडर, यानी कि अपने को इससे ये वाला क्वेश्चन पूछे जाने वाले है कि जैसे 1 अगस्त 2018 को आज सोमवार है, तो उसी प्रकार 1 अगस्त 2019 को कौन सा बार होगा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। मैट्रिक्स दी होगी कि जैसे कोई त्रिभुज है इसके अंदर मैट्रिक्स दी रखी होगी, होगी तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क बन रखा होगा, तो इसमें कौन सा शब्द आने वाला है, इस तरीके क्वेश्चन मैट्रिक्स के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास आकृतियां ज्ञात करना, ओके, तो आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिशा ज्ञान, यानी कि अपने को ये ऐसा बोलेगा कि कोई रमेश है जो उत्तर चला, उसके बाद दक्षिण में गया, उसके बाद वापस ये अपने बाएं मुड़ गया, फिर ये वापस अपने बाएं मुड़ गया, तो ये अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ अपने को इस टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरीके से ये रीजनिंग के पार्ट से इनके ये टॉपिक से ये इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि अपन को 150 नंबर में आराम से ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट अपने पास शिक्षण अभिरुचि, यानी कि इसमें अपने को इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इनमें कोई फिक्स टॉपिक नहीं होता है, ठीक है, तो इनमें अपने को इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो इसके अंदर चार ऑप्शन दे रखे होते हैं, ठीक है, तो अपने को इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना होता है। उसमें यह होता है कि इसमें नंबर डिवाइड होते हैं, आपको इसमें नंबर कटने के खतरा नहीं है, कि जैसे ये कोई चार ऑप्शन दे रखे हैं, ओके, तो अपने को इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है, जैसे कि थर्ड करेक्ट आंसर है, तो इस क्वेश्चन को करने से अपने को कितने नंबर मिलने वाले, 3, लेकिन अगर अपने को अपन इसकी जगह इसको राइट किया है और ये वाला इससे थोड़ा कम अच्छा आंसर है, तो इसको अपने को यार 2 नंबर मिलने वाले, अगर अपने को ये राइट किया और ये इससे थोड़ा कम सही आंसर है तो इसके अपने को 1 नंबर मिलने वाले, और अगर कोई बिल्कुल ही गलत आंसर है तो उसको अपने को यार 0 नंबर मिलने वाले, यानी कि इसमें अपने नंबर कटने के चांस बहुत कम है, ठीक है, तो इस शिक्षण अभिरुचि की मतलब इतने ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक बार अपन नॉर्मल पढ़ेंगे तो भी अपन इसको अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि ये अगर 150 नंबर की आती है तो अपन इनसे कम से कम 100 नंबर तो आराम से ला ही सकते हैं, ओके, और बाकी अपन पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने BSTC क्या होती है इसके बारे में जाना, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और वो टॉपिक्स किस तरीके से आते हैं, उनको करना कैसे है, इसके बारे में अपन ने सब जाना है, ठीक है। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।